सरकार बनेगी योगी की। अखिलेश के राज में तो एक गुंडा तो आया और कोई नहीं आया। और माहौल बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा। मोमबत्ती अब दीपावली पे ही खरीदते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो मोदी चाह, मोदी चाह, मैं तो आ गया भाई। एक तरफा जीतता 300 वाला साहबगी। प्यार से बोलो जय श्री राम। आज बेधड़क हो गया, 12 बजे घूम आया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सारे बदमाश छोड़ के भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश को। 100% नहीं जी, 1000% उम्मीद है भाई साहब। भाजपा से भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं शामली में। ये आप देख सकते हैं तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, जय श्री राम की आवाज। ये शामली में इस वक्त ठंड का मौसम है, रात है, लेकिन चुनावी मौसम गर्म है और गर्माहट में लोगों से बातचीत करनी चाहिए और जानना चाहिए कि इस बार स्थिति किसकी बन रही है। मैं सबसे जानूंगा, ये तमाम लोग हैं, एक एक करके सबसे ये जानूंगा कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस बार। क्या परिवर्तन की लहर है या फिर से योगी सरकार को लाने की पूरी कोशिश है? क्या कुछ बदलाव की ब्यार है? सबसे बात करूंगा, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है सर, पहले वाले माहौल है योगी सरकार। कहते हैं अरे बड़े परेशान है हम तो बीजेपी सरकार से। अरे ऐसा कौन बोलता है, ये तो सब खाम खाम वाली बात है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। दो लड़के मैदान में, ध्यान रखना। कोई नहीं, कोई नहीं, उनका कुछ नहीं उठता है, जो भी है बस बीजेपी है ओनली। अरे यहाँ तो इस बार यहाँ के जो किसान है वो खुश नहीं है, परेशान है वो। अरे कौन बोलता है सर किसान खुश नहीं है, सारे किसान खुश है। वो तो 5-4 किसान जो उस पर बैठे थे मोर्चे पे, वही है ना खुश, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम ओनली किसान में ही बैठे हैं, कोई नहीं है। तो आप भी किसान ही हैं? हाँ किसान ही है सर। तो किसानों को तो बताओ कि भाई हम भी किसान हैं, क्यों हम साथ उसके बीच। अरे क्यों नहीं, ये तो कहने वाली बात है, ये 5-4 विपक्ष के हैं जो बोल रहे हैं, वरना ऐसा कोई नहीं है कि किसान नाखुश है। बिजली सही आ रही है? ओह लेडी यार, बिल्कुल 24 घंटे। अखिलेश कह रहा है कुछ नहीं है सर, फीता काटे वाली बात। कहन दो जो कह रहा कहन दो, हमें तो बस एक बात का पता, मोदी सरकार, हम और कुछ नहीं पता। अरे योगी सरकार, हमें और कुछ नहीं पता। विकास विकास कुछ नहीं चाहिए? नहीं, विकास ही हो रहा है, जभी तो बोल रहे, जभी तो योगी सरकार बोल रहे। यादव साथ हैं जयंत चौधरी के, ध्यान रखना। 7-8 गठबंधन भी कर ली पार्टी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तो काम वाम पसंद आया नहीं आया? काम बहुत बढ़िया पसंद आ रहा। बदला कुछ 5 साल में? ऐसे सब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं बदल रहा, बदल क्यों रहा है, बहुत कुछ बदल रहा। सारा माहौल बदल रहा है, खराब जो है। गुंडागर्दी बंद होगी सारी, आज ही सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी की थी, अगुआ गुंडागर्दी बंद होगी। लोग बात जो 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 आपस में गठबंधन कर रहे हो इसी वजह तो कर रहे हैं। हमारी गुंडागर्दी बंद होगी, हमारे जय लंडा जय, वो 5-7 हज़ार रुपये लिया इकट्ठे करके, और वो बंद हो आन रेप जा। इसलिए योगी सरकार से चिड़ रहे हैं, गठबंधन इसलिए तो कर रहे हैं। पहले गुंडागर्दी का पैसा कमाते थे राजा, नहीं क्या करते थे, दो तबके थे इसी काम लगते हुए, अब काम हो गया बंद, इसलिए परेशान हो रहे हैं। किसान यहाँ के परेशान है, ऐसा कुछ है क्या? कौन परेशान है? किसान परेशान है? कोई किसान परेशान नहीं है। गन्ना वन्ना पैसा मिल नहीं रहा, ओरिजिनल किसान है वे परेशान है ही नहीं। जो नेता है किसानों के वे परेशान है, उनकी ठेकेदारी करते हैं, उनकी नेतागिरी, हाँ उनकी नेतागिरी बंद होगी। सरकार बनेगी योगी की। क्यों बनेगी? हाँ यह बात क्यों बनेगी? वो बोल रहे झूठ। क्यों? क्या झूठ बोल रहे? बताऊ क्या झूठ बोल रहे? गाड़ी पलटी थी, दो का गोली मारी, पलटी थी, पलटी नहीं वाह, पलटी नहीं गाड़ी, अरे डोही बनेगी, वह गाड़ी पलटी नहीं वाह। उनने इंसाफ गैल दिया, चक्कर नहीं कटवाए किसी को, लोग बाग जो है इंतजाम बांध ही दिया। किसी का आज एक किसी का कोई आदमी मर गया, उसका एक केस अदालत लो चला जाओ, वो मार जिसका मर गया वो भी मरी गया, उस पर नहीं वो केस भुगता। ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, वो योगी ने दिया। आज बेधड़क हो गया, 12 बजे घूम आया, कोई दिक्कत नहीं। 1 बजे 2 बजे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल सेट। योगी के आने से दिक्कत कैसे हो रही है फिर? दिक्कत तो राजनीति पार्टियों को दिक्कत हो रही है, आम आदमी खुश है। जो आम आदमी है हमारे किसान भी हैं। किसान वाली बात नहीं है, बात सवाल किसान की नहीं है, दुकानदार की नहीं है, व्यापार की नहीं है, आदमी खुश है आज की तारीख में, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा योगी के, उससे खुश है हम। बिल्कुल, जिसका मान लो किसी लड़की का बलात्कार हुआ, उसके चक्कर में वो बेचारा रिपोर्ट भी नहीं करवाया, शर्म में मर गया, उनका सीधी गोली लगवा दी।
रोड काट दी बिल्कुल एक सेकंड तक पहले, और मतलब हमारा भी जी राज्य होगा। हाँ भाई, उन्हें इंसाफ मिल गया, और जो इंसाफ चाहिए इसी तो चलेगा देश। जयंत और यो अखिलेश, कोई बात नहीं, तो पहले भी थे, ये तो पहले भी थे, कोई बात नहीं है, नहीं इनकी कोई बात नहीं है, कोई इनकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इस सीट अपनी बचा लियो जयंत और ये दोनों, अजी अपनी बचा लियो, लल्ले पटेल मेरे साथ हैं। अजी क्या बात कर रहे सरकार, वे अपनी सीट बचा लियो, उनकी बचनी सीट वहां जी जमा जब जब तो उनकी दोनों की, दोनों की मुझे लग रहा है कि उन्हें जय रास्ते मिल रहा है, हम लड़े कहां थे, उन्हें तो रास्ता ये नहीं मिल रहा, हम लड़े कहां थे। हाँ, हमारी सुरक्षित सीट कौन सी होगी जहाँ हमारी जान बच सके, हम तो ढूंढ रहे। अखिलेश यादव कह रहे कि योगी जी को गोरखपुर इसलिए भेज दिया कि अब लास्ट है तुम्हारा बनाने के, उसका घर है और वहाँ के लोग जो है ना वे उनकी आवाज पाए वहाँ जी, उनकी आवाज पाए वहाँ जी, डर के नहीं आए, उनके दिल जो हितेसी है उनसे प्यार करने वाले हैं, जिनसे जिन्होंने उनकी सेवा रखेगी, इसलिए वहाँ गए हुए डर के वजह से गए हुए। अन्य तो उन्हें तो जय योगी जी तो कहीं से लड़वा दो, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़वा दो, एक तरफा जीत का आओगे, अब बहुत ही बड़े वोटो जीत का आओगे, ये तो खम्मा कहेंगे ड्रामे बना रहे हैं, तो अरब का नाम जय का नाम वो अपने घर बढ़ गए फड़ा बढ़ गए, इन पर है क्या और? अरे अखिलेश को तो आज भी जगह नहीं मिल रही, वो कहाँ से लड़ा है? कभी अजब का राज है, कभी बापू वाले छिटता है, कभी बट्टे वाले छिटता है, कभी भाई वाले छिटता है, कभी घर वाले छिटता है, लड़ू कहाँ से लड़ू, वो परेशान हूँ इसलिए हो रहा। भाभी छूट गई, भाभी तो छूट गई, उसे पता ना वहाँ तो सुरक्षा है नहीं, बहु बेटी की इज्जत जहाँ बच सकती हो वो वहाँ भाग रही, वो वहाँ इसलिए आई, उसकी इज्जत जो है हमारे यहाँ बचेगी, वो बड़े वाली सोच रही। अब उल्टे दिन कौन किसके आ रहे हैं? उल्टे दिन तो किसके आ रहे हैं? अखिलेश के बोल रहा है इनका कुछ काम करा क्या उन्होंने? तो बहुत कुछ किया है, रुपये कमाए, रुपये तो बड़े दौर का काम किया, लगा रुपये कमाए, गुंडागर्दी करवाई। पहले शामली में क्या सिस्टम था? पहले शामली में कैसा, शामली में पहले सिस्टम क्या था? शामली का माहौल इतना खराब था कि जहाँ हमारे कॉलेज है ना, ये लड़कियों का कॉलेज है, जो लड़कियों के कॉलेज है, जैन कन्या इंटर कॉलेज होया, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज होया, इनके हमारा गए लगते लड़कों की अब सब खत्म। और जिब लड़की थी तो मुँह छुपो कर लड़की थी, लड़कियाँ इतने करा वो उनपे कटास कट जाते लड़कियों पे, अब कोई करके दिखा दो खड़े में रत्ता भाई, इलाज है पूरा इलाज, मिनट से पहले सोचते भी नहीं खड़े होने की। अब तो सारे बदमाश छोड़ के भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश को, सारे बदमाश भाग चुके हैं, अब तो उत्तर सब भाग चुके हैं, छोड़ छोड़ चले गए अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए तो तुम्हारे शामली में भी सरेंडर करने लग गए कई, तो हाँ ये बचने के लिए। मास्टर जी बोलो। हाँ जी, माहौल लग रहा है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी सरकार आएगी। आपने देख लिया होगा इतने युवा खड़े हैं यहाँ पर, और माहौल बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा, और ये वार्ड तो हमेशा बीजेपी का रहा 100%। और ये विधायक किसका रहा? हमें विधायक से कोई मतलब नहीं है, विधायक भी से मतलब है, बीजेपी से मतलब है, विधायक भी अपना है। जब विधायक को खड़ा कर दिया तेजेंद्र जी को बीजेपी ने, तो हम तो बीजेपी के सिपाही हैं, कुछ भी खड़ा कर दो लेके देंगे, सब बीजेपी के सिपाही है। यहाँ योगी सरकार में फिर भी जो उम्मीदवार है ना, योगी सरकार में जो उम्मीदवार होता है वो भी काफी हद तक ठीक भेजते हैं, चेकिंग होती है पूरी, चेकिंग भी हुए हैं, जांच भी है, पढ़ लिखा भी होता है वो, इसका कहना है उम्मीदवार जो भी होगा पढ़ लिखा होगा, अनाड़ी नहीं होगा, नशेबाजी नहीं होगा, अब फिर भी वो करता हो। अब आप ये सुनो, अब आप देखो एक मिनट, अब सुनो मेरी बात तो सुनो, अब आप यहाँ खड़े हैं, कितने सुरक्षित माहौल में आप खड़े हैं, आप उस टाइम तो थप्पड़ लगने शुरू हो जाते, अगर कोई हाँ ये था कैमरा क्यों कर रहे हो तुम यहाँ से, कैमरे नहीं पावे थे आपके, हाँ ये था, अब तुम इतनी आराम से पुलिस वाले भी खड़े रहते थे पहले, पुलिस वाले पिटते हुए देखे भाई उन्होंने, फुआरा चौक पे पुलिस वाले पिटते हुए देखे अपनी आंखों से, एक लेडी थी यहाँ से, लेडी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं आई थी, ले लो लंबे लंबे केले, अरब कह के दिखाओ, ले लो लंबे लंबे केले, अब कह दो हाँ, कह रहे थे केले ले लो लंबे लंबे केले, अब क्या कह रहे हो, अब तो उनका आ जाओ भाई साहब केले ले लो आज ही, ये तो माहौल बदल रहा है। और मेरे हिसाब से हम जैसा आपने माहौल देखा है, शामली की तो एक छोटी सी बात है, निकलना आसान बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो निकली रखी है, यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है बहुत, और कौन सा बड़ा है इस बार मुद्दा, कौन सा मुद्दा, सुरक्षा ही है क्या और कुछ, मुद्दा सबसे बड़ा है कानून सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है,
और ये सड़क पानी विकास तो देखो विकास तो हो ही रहा है, पहले बताओ खुद सुरक्षित होंगे सब कुछ बढ़िया। बात सुनो, पिछले जब बीजेपी सरकार नहीं थी उससे पहले आपने यहाँ देखा होगा सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ था, गड्ढों का जाल बिछा हुआ था। अच्छा, गड्ढों का जाल। हाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। हमारे ये वैसे समाज से रिश्ते होने बंद हो गए थे दिल्ली वगैरह से। हाँ जी जी जी, शादी भी नहीं होती थी, कहले कहाँ शामली, कहले नहीं जाना। अरे प्रधान जी, हाँ गड्ढे रिश्ते होने बंद हो गए थे लोगों के यहाँ शामली में, कहले भाई शामली कहला नहीं जाते, लड़का चाहे कुछ भी इंजीनियर हो कुछ भी हो, कहले रिश्ता शामली नहीं करेंगे, रास्ता ही नहीं है जाने का। लाल छल लग गया था पूरा, रास्ता ही नहीं है जाने का तो रिश्ता कहाँ से होगा, हेलीकॉप्टर से थोड़ा ही जाएंगे। तो ये हाल था चुनाव में आगे भी कहना है, इसी से उम्मीद है और से उम्मीद है भी नहीं। केराना का व्यापारी जिसने शरण ली वो पानीपत गया, शामली का व्यापारी उत्तराखंड में गया, शामली से सारे व्यापारी गायब हो चुके थे, शामली के भी खत्म हो, यहाँ सारे व्यापारी खत्म हो चुके थे, अब दोबारा वापिस आए। मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, सेला कुई में जाकर प्लॉट लिया था, जब यहाँ से बदमाशी रहेगी खत्म नहीं होने की, सेला कुई में मैंने अपना मकान बनाया है, अब दोबारा मैं वापिस आया यहाँ पे, मैं वापस ठोक कर रहते हो एकदम शेर बन के आप श्यामपुर। पहले क्या होता था सर मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ क्या है, एक जैन कन्या इंटर कॉलेज है, ठीक, हमारा यहाँ फव्वारा चौक भी है, वहाँ रेडियां लगती थी। जब स्कूल टाइम होता था तो क्या बोलते थे, लंबे लंबे केले, मोटे मोटे केले, अब बोलो ना, अब बोलो, अब बोल के दिखाओ, आएंगे नहीं लाएंगे लाएंगे। चलो चलो ठीक ठीक ठीक, छोटी सी बात मेरी सुनो भैया की, स्थिति यह है शामली की या यूपी की, लड़का उठता है सुबह मोदी के बने शौचालय में जाता है, फिर बाहर आता है मोदी के दिए हुए गैस सिलेंडर पर रोटी बनाता है, फिर लाइट का इस्तेमाल करता है और उसी लाइट से जो इंटरनेट मिल रहा है उससे पोस्ट डालता है, अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये कहाँ का न्याय है। इस्तेमाल तो सारी चीज का मोदी का कर रहा है, नारे लग रहे अखिलेश के, ये कैसे है, ये टोपी चोर है, ये लाल टोपी वाले हैं, ये रेड अलर्ट वाले हैं, खतरा है जिसका नमक खा रहे उसका आराम तो ना खरीदे, मोमबत्ती अब दीपावली पे ही खरीदे, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। और बच्चों की मम्मी यूं कह रही थी, बिना मोटर चलाए पानी टैंक से आ रहा है जी, टैंक फुल हो गया है और बिल 640 रुपए का आया, एसी चला मेरे 4000 का आज, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिल नॉर्मल अब 600 रुपए का आ रहा, मैं खुश हूँ। पहले तो बिजली तो आती नहीं थी और बिल ही बिल देना पड़ता था, 2000-2500 बिजली आ नहीं रही, 10 घंटे बिजली थी, हमें फ्री चाहिए ही नहीं बिजली, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो फैसिलिटी चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हम बिल देने को। माहौल बढ़िया है भाई। हाँ अरे नहीं भाई, फूल पर मोर लगेगी, भाजपा वाले हैं और चूकते भाजपा होगी, हमें नहीं पता भाजपा होगी, ऊपर भी तले भी, हाँ सब जगह भाजपा होगी, गुंडाराज खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो लिया, जयंत का तो पहले से ही सफाया है और सपा का भी सफाया हो रहा है, जयंत का क्यों करवा रहे हैं सफाया हो रहा है उसका, पहले से भी सफाया उसका। योगी जिंदाबाद, क्यों जिंदाबाद, जिंदाबाद की बात सुनो, जिंदाबाद की बात सुनाओ, अब भले ही अब चीन से लड़ाई हुई थी, अब उससे कभी हारेंगे हम, मोदी ने कह देता दिक्कत न मानियो किसी चीज की भी, चीन से लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए थे, मैं उस पर फिदा हूँ। वाह वाह कमाल कर दिया, लेकिन बताओ कोई यहाँ अखिलेश यादव वाला भी है, जयंत चौधरी वाला को एक तो हाथ उठा दो, एक तो हाथ उठाओ, मेरी सुनो बात, ना तो हमारे पास साइकिल चलाने का टाइम है, ना हमारे पास झाड़ू मारने के लिए जगह है, हमें मोदी ने सिर्फ खुशबू दी है कमल के फूल की और सदा कमल का फूल ही चलेगा। पिछली सरकारों में 8 साल हो लिए मुझे ड्राइवरी करते, आज तक का 6000 से 9000 की नौकरी पाई, मोदी सरकार में 3 गाड़ी हुई खड़ी मेरी, ये हुआ कैसे, मोदी सरकार की तरफ से भाई, मेरे पास साइकिल चलाने का टाइम नहीं है, मैं तो जू जू करके गाड़ी चलाऊंगा, मोदी की सरकार में हाईवे बन गए सारे, अच्छा हनी साड़ी गाड़ी भी को अट्टी डाल चला तीनू भाई साहब, समझ में नहीं आवे था
पहिया किंगा का मुट्टा का पहिया टूट जाता है, बम दे सी होवे थी जी जी पर लेते भी हो गया लेला फिट। और फिर कहते मुल्ला वाले, अरे मगा भाई थोड़ा हाथ लगवा दो। मैं भैया अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो भैंस चरानी जाके। मैं भाई बकरा चरावे दुनिया तो, तू भैंस क्यों चरा रहा? आख हम अल्लाह वाले हैं। हाँ भाई तो सिंपल फुल माहौल था। और आज टोपी वाला पूरे मोहल्ले में एक चमक जाओ। तो कारण क्या है ये सारा? अरे कारण ही है, कमल की खुशबू हो रही है। तारी समझ में आता है जो खुशबू ही नहीं आई। यहाँ सारे इटाल की बदबू आ रही थी, जना दी चौथ का सोर मर रहे पहले जीवली कड़ा थे। अरे तो बारह बारह लोग कभी मजा सा है सूंघने में भाई। माहौल तो देखो बात ऐसी है, बीजेपी का चली रहा पर ऐसा नहीं, आती भी तो अपनी चाल से चली रहा। बताओ कहाँ से नहीं आ रहा, बताओ जाट ही गन्ना नहीं दे रहे हाथी को, जाट गन्ना ही नहीं दे रहे हाथी, कहाँ से आ रहा? ओ जाट तो दबाएंगे। अब से पहले का पर्चा नहीं भरा जाएगा, हमें बताइए। एक सेकंड भाई सुनो मेरी बात, कभी भी किसी के दिल को तोड़ देना चाहिए। हाथी अपनी तरफ आया कोई बात नहीं, उसको भी अपनी चाल चलने दो, हम तो मना कर ही नहीं रहे भाई। साइकिल भी आ जाओ, ढाई चलेगा डेढ़, पहले तो ये बताओ। एक सेकंड, हाथी अगर ढाई चलेगा डेढ़, पूर्ण बहुमत से हम आए हुए हैं, ठीक है? पांच चार सीट कम हो जाएगी, उनका जी राजी हो जाएगा, बस यही तो है। मैं तो मोदी चाह, मोदी चाह, मैं तो आ गया। हाँ मोदी चाह, योगी चाह, मोदी चाह, मैं तो अखिलेश अगली से मोदी चाह में तो भाई लैपटॉप नहीं चाहिए, इतनी कीमत का मोबाइल ले रहे। आप ये बताओ 2016 में अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, हम लैपटॉप से टैबलेट पा गए, हम मोबाइल पा गए, क्या सरकार का खजाना खाली हो गया? क्यों योगी जी वहाँ बुला के दे रहे टैबलेट, दे रहे मोबाइल, दे रहे तो लैपटॉप बड़ा होता है, टैबलेट बड़ा होता है, आप बताइए। 2013 में मायावती जी का राज था, फुल था। मायावती के राज में बताओ किसने क्या दिया? नोएडा में जाके पंचे साथी खड़े कर दिए, हमें क्या मिला? कांग्रेस का और सपा का पिछली बार गठबंधन हुआ था, चली तो नहीं साज्य की सरकार ना, यो चलने की नहीं। अरे हम चीज को कह रहे हैं भाई साहब, रोजगार इतने खड़े, बताओ कौन से पर नौकरी है? आधे ज्यादा यहाँ पढ़े लिखे खड़े, बताओ बिल्कुल चल जाएगी किसी? कोई यो भाई तो लेकर आ 200 रुपए रोज, ये भाई लेकर है 300 रुपए रोज, किसका चल रहा काम? खुदी का अपने आप चला रहे हैं सब। फिर अरे भाई साहब खड़े ये फलों की दुकान पर है, मैं पूरा को आ जाओ तो मतलब साज्य में चल लेगा तुम सारे कह लग, वहाँ डिबेट कर कामेंगे जाके। भैया बताओ एक छोटी सी बात, घर का बेदी लंका ढावे, घर का बेदी लंका ढावे, अखिलेश के परिवार की लड़की हमारी साथ, हमारे बीजेपी के साथ, क्या होगा फिर जब कुछ कमी होगी? जब इतना दहन हो जाएगा फिर तो भाई 300 पड़ा जीतता का सामली, 50,000 वोट पड़ा जागी बीजेपी। यू बात ही है, तेजिंदर निर्वाल हो, मरगांगा हो, कोई हो, इनसे मतलब नहीं है, योगी से मतलब है, योगी से मतलब है, योगी कैंडिडेट कोई भी हो भाई एक तरफा जीतता का 300 पड़ा सागी। पिछली बार 80 विधानसभा में योगी जी हारे थे, आपके वैसे 80 पार है, बिल्कुल लिख कर रख लियो इस चीज को, बिल्कुल है भाई साहब। अब मुझे इस जगह दे दो, हमारी तरफ से चाहे भाजपा से यहाँ नाई दसन आ जाओ, हमें भाजपा को वोट देनी बस, नाई दसन कायम आ जाएगा भाजपा से ले जाओ, हमें कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ भाजपा से मतलब है भाई साहब, कैंडिडेट से मतलब नहीं है हमें। केरला से थे, कहाँ से थे? भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आकर टिकट ले जाओ यहाँ से, हमें भाजपा से भाजपा को वोट देनी, कैंडिडेट को नहीं देनी। यहाँ से जो आवाज निकल कर आ रही है वो यही है कि इस बार फिर से बीजेपी और बटन फिर से बीजेपी का दबेगा, क्योंकि मैं एक सेकंड तो कहीं ना कहीं अभी ये थोड़े से जोश में है, जोश में रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें क्योंकि मार्च 10 तक जोश रहेगा। हाँ जी 10 मार्च तक बिल्कुल 10 मार्च तक जोश रहेगा, ये बात निकलकर सामने आई है। लेकिन
कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आया, मैंने किसी से बुलाया नहीं, लेकिन मैं जब खड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं चौराहा है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, इधर भी है ये और ये सामने भी है, और ये मेरे पीछे देखेंगे एक रास्ता ये भी है, ये चौराहा है। अचानक से मैं आया, बातचीत की लोगों से, मैंने लोगों से बातचीत की मैंने, लेकिन आवाज जो निकल कर आई है ये सब अचानक से देखा इन्होंने, लेकिन इन्होंने जब अचानक से देखा इन्होंने कि कोई रिपोर्टर शायद यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा है, तो एक से पहले दो लोग थे, फिर चार लोग, ऐसे बढ़ते गए, लेकिन यहाँ से जो कुल मिलाकर आवाज है वो बीजेपी के पक्ष में है। शामली सीट पर बीजेपी के इस वक्त मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन लहर फिर से दिख रही है। अब ये लहर नतीजों में 10 तारीख को क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं दुष्ट उपाध्याय, कैपिटल टीवी, नमस्कार।